ओके सो आज हम लोग देख रहे हैं विंडोज 11 को किस तरह से ऑप्टिमाइज कर सकते हो मैक्सिमम परफॉर्मेंस निकालने के लिए। ठीक है, सबसे पहले अपना काम जो रहेगा वो होगा, ये अभी मैंने डिफॉल्ट में इंस्टॉल किया है विंडोज, कुछ भी इसमें चेंजेस वगैरह कुछ नहीं किए। ठीक है, अब सबसे पहला काम जो रहता है वो है इंटरनेट से कनेक्ट करना। यहाँ पर मैं वाईफाई कनेक्ट कर लेता हूँ, अगर तुम्हारे पास लैन है तो लैन का यूज करना। ये मैंने कनेक्ट किया, अब यहाँ पे एक सेटिंग आएगी जो आपको ऑन करनी है। वाईफाई से कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे ये जो बटन दिख रहा है प्रॉपर्टीज़ वाला, इस पर जाना है और यहाँ पे मीटर्ड कनेक्शन ऑन करना है। बेसिकली अपन को ये मीटर्ड कनेक्शन है इसको ऑन करना है। अब इससे होता क्या है, ये विंडोज़ को पता चलता है कि जो अपना वाईफाई वगैरह है, जो भी जिसमें भी इंटरनेट कनेक्टेड है, वो फ्री नहीं है, मतलब उससे अनलिमिटेड डेटा नहीं निकलता, उससे लिमिटेड डेटा है, मीटर कनेक्शन है, उसका चार्जेस लगेंगे। सो ये मीटर कनेक्शन के लिए ये है। अगर आपके पास लैन यूज़ कर रहे हैं तो कहाँ पे जाना है आपको, यहाँ पे सेटिंग्स, ये नेटवर्क सेटिंग्स में जाना है और यहाँ से ईथरनेट वाली सेटिंग चूज़ करनी है और यहाँ पे मीटर कनेक्शन ऑन कर देना है। मैं वाईफाई यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर ऑन किया, अगर आप लैन यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ऑन कर देना, ये आपका पहला काम रहेगा। अब आपने लैन कनेक्ट कर लिए अच्छे से, अब आपको क्या करना है, सीधे यहाँ पे चले जाना है सेटिंग्स में और अपडेट जो होते हैं वो डालने हैं। यहाँ पे जितने भी अपडेट्स आएंगे वो आपको सब डाल लेने हैं, मैंने काफ़ी सारे डाल दिए हैं अभी, और ये सारे जितने भी हैं उसको सबका कंप्लीट कर लेना है। इससे क्या होगा, आपके सारे ड्राइवर्स वगैरह सब आ जाएंगे। सो अपडेट हो जाने के बाद आपका क्या करना है, अब ये जैसे अपडेट एक आध कुछ एरर आ गई या फिर काम हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन बाद में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये अपडेट सिर्फ इसलिए नेसेसरी है कि ताकि आपके जो भी ड्राइवर्स वगैरह हैं वो अच्छे से डल जाएँ। यहाँ पे ऑप्शनल एडवांस ऑप्शन में भी आते हैं कुछ ड्राइवर्स, इनमें से भी आपको कुछ करने हो तो वो कर लेना। जैसे ऑप्शनल ड्राइवर्स हैं यहाँ पर स्पेसिफिकली ये आते हैं और ये भी आते हैं, अगर ये करना है कुछ ज़रूरी लग रहा है तो वो कर सकते हैं वरना छोड़ सकते हैं। अब अपन को नेक्स्ट जो काम रहेगा वो है अपने सारे सॉफ्टवेयर, जो भी जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, जो भी अपन रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं या फिर जो अपन पता है उन्हें डालना है। ठीक है, अपन बाद में भी डालते रहेंगे बट अभी जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो डालने हैं। कुछ सॉफ्टवेयर जो भी ज़रूरत, जैसे VLC वगैरह होती है किसी के लिए, अडोब के सॉफ्टवेयर फोटोशॉप वगैरह ज़रूरी होते हैं, किसी के लिए वर्ड की सॉफ्टवेयर ज़रूरी होते हैं, वो सारे डाल लेने हैं। सो मैं डालता हूँ एक एक करके। ओके सो मैंने एग्जांपल के लिए कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिए। ठीक है, अब सपोज़ ये सारे सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गए, अब अपन को क्या करना है, अब अपन को ऑप्टिमाइज करना चालू करना है। जब सॉफ्टवेयर डल जाएंगे थोड़े बहुत, जो भी नेसेसरी सॉफ्टवेयर है वो डल जाएंगे, एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं बाद में भी, ऐसा कोई इशू नहीं है, बट अपन को थोड़े बहुत सॉफ्टवेयर डाल लेने हैं जो भी अपन को रिक्वायरमेंट है, अगर डालना हो तो डाल सकते हैं। अब ऑप्टिमाइज़ करना चालू करते हैं, तो सबसे पहला अपना जो काम रहेगा ऑप्टिमाइज़ करने का वो है ये सॉफ्टवेयर। यहाँ से जा लेंगे अपन ब्लोटी नॉइजी, ठीक है, गूगल क्रोम पे लिख देंगे ब्लोटी नॉइजी तो आ जाता है ये सेटअप। सो अपन सबसे पहले इसको डालेंगे, ये अपन ने डाला और इसको रन करेंगे। ये रन किया, ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे तुम्हारे पास ब्लोटवेयर हटाने के लिए, फीचर्स, प्राइवेसी सेटिंग्स, गेम्स, ये सबको फिक्स कर देना है तुमको। पहले एनालाइज कर देना है एक बार, ठीक है, एनालाइज कर दिया फिर फिक्स कर देंगे अपन, फिक्स अप्लाई, ये हो गया और अप्लाई फिक्सेस, यस कर दिया, ऐसा कुछ आते यस कर देना। ओके सो फिक्स कंप्लीट हो गए, यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो, ये सब चीज़ें हो गई, ये फिक्स हो गई। अब अपन को क्या करना है, इसको हटा देना है, क्लोज कर देना, अभी इसको सॉफ्टवेयर को रखना है। अभी देखो ये काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर वगैरह जो हैं, जो शॉर्टकट्स वगैरह आते हैं, जैसे दूसरी दूसरी चीज़ों की एसफाल्ट वगैरह गेम्स वगैरह के सॉफ्टवेयर जो भी आते हैं सब हट गए हैं। अब अपन को एक बार इसको रिस्टार्ट कर लेना है, इस जगह पर रिस्टार्ट कर लेना है इसको। सो रिस्टार्ट हो जाने के बाद तुम्हारा ब्लैक थीम वगैरह भी ऑन हो जाएगा यहाँ पे डिफॉल्ट में ब्लैक थीम, और ये राइट क्लिक करोगे तो तुमको ये पुराना वाला मेन्यू वो मिल जाएगा।
ठीक है। अब ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये विजुअल्स ज़्यादा खाता है, वो नया वाला जो है उसमें विजुअल्स की वजह से थोड़ा ज़्यादा मेमोरी वगैरह खाता है, रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ कर सकता है, इसलिए ये ओल्ड पे डाल देता है। अब अपन क्या करेंगे इसके आगे, अब अपन को ये दूसरा वाला टूल डालना है, आयोबिट अनइंस्टॉलर। ये भी तुमको गूगल से आसानी से मिल जाता है। यहाँ पे कैसे इंस्टॉल करना है, इसको हटा देना, ये दोनों को कस्टमाइज पे जाना है, इसको हटा देना है, इसको भी हटा देना है, इसको कर देना है इंस्टॉल, इसको नो कर देना है और इंस्टॉल कर देना है। ये इंस्टॉल हो गया, इसमें नो थैंक्स करके फिनिश कर देना है। अब क्या करना है, इसको ओपन करना है अपन को। ये ओपन हो गया, अब अपन को क्या करना है, यहाँ पे जाना है विंडोज ऐप्स पे, यहाँ पे ये लोड करेगा। अब यहाँ पे काफ़ी सारे ऐप दिख रहे हैं, इन सबको हटा देना, मतलब काफ़ी सारे को हटा देना। जैसे मैं बता देता हूँ एग्जांपल के लिए, अपन अलार्म कभी करते नहीं, यूज़ नहीं करते, तो इसको हटा सकते हैं। ऐप इंस्टॉलर, ये ऐप इंस्टॉलर क्या करता है, ये जो सारी चीज़ें एक शॉर्टकट्स वगैरह बनते हैं यहाँ पे, उसको इंस्टॉल करता रहता है बैकग्राउंड में, सो इसलिए इसको भी हटाना ज़रूरी है। कैलकुलेटर वगैरह हटाना हो तो हटा सकते हो, कैलेंडर वगैरह को भी छोड़ सकते हैं, कैमरे को छोड़ सकते हैं, यहाँ से फीडबैक आपको हटा देना, कोई ज़रूरत नहीं है। फिल्म एंड टीवी को भी हटा देना, गेट हेल्प को, मेल को भी हटा देना क्योंकि अपन इससे तो यूज़ ही नहीं करते, मैप को हटा देना, मीडिया प्लेयर ये इसको भी हटा देना, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है अपन को, एक्सटेंशन की भी ज़रूरत नहीं है, वैसे हटा सकते हैं इसको। टू डू लिस्ट ये इसको ज़रूर हटाना, ठीक है। पेंट को रख सकते हो अगर रखना चाहो तो, विंडोज़ टर्मिनल इसकी भी ज़रूरत नहीं है, अगर किसी को ज़रूरत हो तो वो रख सकता है। इसको भी हटा देना इसको। नोटपैड अपन रख लेते हैं, आउटलुक को भी हटा देते हैं, फोटोज़ को रखे रहने देते हैं, ऑटोमेट भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। स्निपिंग टूल किसी किसी को चाहिए होता है इसलिए नहीं हटाते हैं। एक्सपीरियंस होस्ट को हटा देते हैं, VP9 अपन वीडियो चलाते नहीं, और चलाएंगे तो अपन VLC वगैरह का यूज़ करेंगे, सो अपन इसको भी हटा सकते हैं, ठीक है। विंडोज सिक्योरिटी को रखेंगे, यहाँ पे गेम बार अगर तुम यूज़ करते हो तो कर सकते हो, अगर नहीं करते तो कोई इशू नहीं है, डिलीट कर सकते हो उसको। यहाँ पे डिलीट किया, डिलीट किया और योर फ़ोन को डिलीट किया। अब यहाँ पे करना तुम अनइंस्टॉल, और यहाँ पे इसके साथ ये देखो इस तरह का मैसेज आएगा, तो ये कह रहा है कि अगर ईमेल मेल डिलीट करोगे तो ईमेल और कैलेंडर दोनों डिलीट होंगे, सो कर देते हैं अपन, ठीक है। अपन कैंसिल कर देंगे तो फिर वो कैंसिल कर देगा, उसको डिलीट नहीं करेगा एक आधा ऑप्शन को। सो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अपन रेसिड्यूअल को ऑन रखेंगे कि इसको डिलीट कर दे, और क्रिएट रिस्टोर पॉइंट ये करना चाहो तो कर दो, मैं नहीं कर रहा, मैं कभी नहीं करता, ऐसे ही हो जाता, कोई दिक्कत नहीं होती, इसलिए अनइंस्टॉल कर देते हैं। ये सारे ऐप्स हैं, देख लेना एक बार, अगर देखना हो तो, है ना, अनइंस्टॉल कर देना यहाँ पे। सो ये अनइंस्टॉल करना चालू करेगा, ये विंडोज़ के ऐप्स हैं। अब इनके वेट करेंगे अपन इसके अनइंस्टॉल होने का। ओके, सो सब कुछ अनइंस्टॉल हो गया है इसमें से, जो भी करना था अपन को। अभी एक और बार चेक कर लेंगे अपन कि अगर अपन को कुछ हटाना है, इनको कैलकुलेटर के साथ ये भी जाता है, अपन को पता है, अगर हटाना है तो हटा सकते हैं, नहीं हटाना तो कोई बात नहीं है, मैं हटा देता हूँ, मैं कुछ यूज़ नहीं करने वाला इनमें से, मैं इनको भी अनइंस्टॉल कर देता हूँ। ये मैंने अनइंस्टॉल कर दिया तीनों को। ठीक है, सो ये भी अनइंस्टॉल हो गए। अब अपन को इसको क्लोज कर देना है, या फिर अपन यहाँ पे भी देख सकते हैं और कुछ बच गया क्या, कुछ नहीं बचा, यहाँ से ठीक है, यहाँ से भी ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही तुमको डिलीट करना हो कर लेना। वैसे ये यूज़र इंस्टॉल ऐप होते हैं जो अपन इंस्टॉल करते हैं, वो आते हैं यहाँ पे, तो इनमें से भी कुछ करना हो तो कर सकते हो, इसको क्लोज कर देंगे। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, टास्क मैनेजर में जाएंगे, यहाँ से टास्क मैनेजर पे जाएंगे अपन, और यहाँ पे अपन स्टार्टअप ऐप्स होते हैं वहाँ पे जाएंगे, ये रहा स्टार्टअप ऐप का टैब, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे काफ़ी सारे ऐप्स आएंगे जो कि स्टार्ट होते हैं जब अपना विंडोज़ बूट होता है,
जो अपन को रिक्वायरमेंट नहीं है उनको अपन हटा देंगे, जैसे एज। अब एज तो अपन चलाते भी नहीं है, अगर चलाते हो तो भी डिसेबल कर देना, क्योंकि अपन को रिस्टार्ट नहीं करवाना। जब अपन सिस्टम ऑन हो तो ये रिसोर्स लेने लगते हैं, सो अपन ये नहीं चाहते। इसको भी हटा देना, हटा सकते हो, इसको भी हटा सकते हो, ऐसा कुछ है जो भी देख लेना, जो जो इंपॉर्टेंट हो तुम चाहते हो कि वो स्टार्टअप में चले उसको रखना, बाकी सबको हटा देना। जैसे मैंने IDM को है, अब IDM को यहाँ पे 12 जाती है, ये चालू हो जाए ताकि अपन डाउनलोड वगैरह कर सकें, वरना कैच नहीं करता ये, इसलिए मैंने इसको इनेबल रखा है। और भी सॉफ्टवेयर आ जाएंगे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट की कुछ आए, कुछ और आए, जैसे कोई सी दूसरे सॉफ्टवेयर डाले जिनमें अपडेट आता है, शायद उसका अपडेट इंस्टॉलर नोटिफिकेशन वगैरह, तो वहाँ पे देख लेना कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। अगर इंपॉर्टेंट है तो ही रखना, वरना सब हटा देना यहाँ से, ठीक है। ये जैसे मेरा लास्ट बूट टाइम सिर्फ 4 सेकेंड था, जो कि बहुत ही कम है, ठीक है। अब क्या करना है, ये सब कुछ हो चुका है, ये काफ़ी ऑप्टिमाइज लगेगा आप तुमको। अब तुम्हें जो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, जैसे अब ये ब्लोटी नॉइज़ी है और आईबिट अनइंस्टॉलर है, इसको तुम रख सकते हो अगर रखना चाहो, अगर नहीं रखना चाहो तो तुम्हारी मर्जी है। मैं इसको एक और बार चला देता हूँ, इसको एक और बार चला देना, ये सब करके फिक्स करके फिर से देखते हैं, अपन एनालाइज करके देखते हैं कुछ आएगा क्या नहीं। यहाँ पे आ गया नो नीड, नो एक्स, नो एक्शन नीडेड, सो अब कुछ नहीं बचा, ये अच्छे से काम कर दिया इसने, सो अब कोई इशू नहीं है। अपन अप्लाई फिक्स कर देते हैं तो अभी कुछ होगा नहीं, क्योंकि सब कुछ इसने ऑलरेडी कर दिया। तो अब ब्लोटी नॉइजी को हटा सकते, इस समय पे ब्लोटी नॉइजी को हटा सकते हो। अब हटाने के लिए तुम ये भी यूज़ कर सकते हो, इस वाले सॉफ्टवेयर से भी कर सकते हो, या फिर कंट्रोल पैनल पर जा सकते हो। मैं कंट्रोल पैनल से हटा देता हूँ, ये सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज नहीं खाते, ये वाला थोड़ा रिसोर्सेज खाता है, सो अपन इसको हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं। कहाँ गया ये अपना ब्लोटी नॉइज़ी, इसको हटा देते, दोनों को ही हटा देते हैं। ये सब कुछ हो गया है, सो ये फिनिश हो गया है। अब अपन इसको यूज़ कर सकते हैं, अब जो चलाओगे मतलब काफ़ी अच्छा चलेगा आपका सिस्टम। आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे अब ये एक और चीज़, नई चीज़ आ रही है, ये मुझे अभी मिली है, अभी जैसे ये प्रीव्यू आ रहा है, राइट क्लिक किया मैंने, टास्क बार में सेटिंग में गई, सो मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ, तो ये आइकन चला गया, एक कोपायलट का आइकन आ गया नया अपडेट, सो उस वजह से आ गया, इसको हटा सकते हैं। प्रीव्यू है, अपन ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो अपन ने ऑफ रखेंगे। अब इसमें से कुछ नहीं करना अपन को, सारे सब कुछ हो चुका है इसमें, अब और कुछ नहीं बचा, तो अपन अच्छे से इसको यूज़ कर पाएंगे। अभी ये दिक्कत नहीं देगा तुमको, फालतू सॉफ्टवेयर इसमें सब चले गए, कोई भी तुम्हें फालतू फालतू सॉफ्टवेयर नहीं दिख रहा, ये छोटे मोटे बच गए हैं, ये सिर्फ शॉर्टकट है, तो अनपिन कर सकते हो उसको, अगर तुम्हें नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो रख सकते हो। जैसे एज, एज का भी क्या करेंगे अपन, सो हटा दिए, सो अब ये क्लीन, सब कुछ क्लीन हो गया। अब बस ये वीडियो ख़त्म होती है यहीं पे, इतना ही ऑप्टिमाइज करते हैं अपन इसको। ओके, सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।